देखिए भैया, देखिए भैया, ये है कमार लड़की। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं कमार लड़की, हाँ पहले इसका शादी हुआ था कमार से, फिर बाद में इसने किया लव मैरिज आदिवासी लड़का से, हाँ यानी कि मेरे से। मैं उसका पति ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम है समीर सोरेन, गांव रांगा। देखिए ये लड़की, एक लड़का है 7 साल का और एक लड़की है 4 साल की। और देखिए इसका करतूत, इसका करतूत देखिए भैया। और इसका ऑपरेशन भी हुआ है, यहाँ तक ऑपरेशन भी हुआ है। और ऑपरेशन होकर भी देखिए इतना अय्याशी कर रहा है, वो भी भुइयां लड़का के साथ। देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये सामने है भुइयां लड़का फगुराय गुनिया पड़ा। इसका चेहरा देख रहे, गोलाई बथान शिकारपुर का ये लड़का है। और इसका भी एक बीबी है, देखिए चेहरा देखिए, ड्राइवरी करता है, ड्राइवर करता है बोलेरो में। हाँ ड्राइवरी करता है, देखिए चेहरा अच्छा से। और देखिए भैया, जब हम पहले जान गए थे कि ये दोनों का चक्कर चल रहा है, और देखिए हम बार बार से कैसे हमको धमकी दे रहा था, अगर कोई हमसे पंगा लेगा दुश्मनी करेगा नहीं उसका हम गाड़ी चढ़ा देंगे, इतना तक धमकी दिया था। लेकिन मजबूरन हम क्या करते, दलाही दुमका हम तो घूमते रहते थे, हम भी थोड़ा तो डरते थे, काहे कि मेरा बाल बच्चा है, थोड़ा तो हमारा डर था कि काहे उसको उतना नहीं बोलेंगे, स्पॉट पकड़ेंगे तभी कुछ बोलेंगे। देखिए भैया, उतना दिन के बाद करीब करीब 1 साल से दोनों का चक्कर चल रहा था, और जब हम जान गए थे, देखिए कितना इसका हिम्मत, देखिए इसको सोचना चाहिए था कि उसका 2 गो बच्चा है, ऑपरेशन आदमी है, अच्छा मेरा परिवार चल रहा था, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, देखिए मेरा परिवार में और मेरा संसार में कैसे आग लगा दिया, धूल झोंक दिया। देखिए भैया आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भैया। देखिए लड़की का चेहरा, ये लड़का है फगुराय ड्राइवर, ये मछलिया में ड्राइवरी करता है, बासु नंदी का गाड़ी चलाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको समझना चाहिए भैया, समझना चाहिए कि इसका 2 बच्चा है, ऑपरेशन आदमी, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए भैया आज मेरा परिवार कैसे नाश हो गया, मेरा 2 गो बच्चा है, मेरा यार रामचंद्र ने मेरा परिवार में आग लगा दिया, मेरा बच्चा है। एक मेरा 7 साल का लड़का है और 4 साल की बेटी। भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसी लड़की ऐसा कदम ना उठाए।